हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े से अलग टाइप के हैं, है तो उन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड जो हमने बताए थे। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होता है, जो हर साल जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे जुड़ने के बाद जो हमारी प्रिंसिपल बनती है नई, उस पर इंटरेस्ट हर साल लगता जाता है तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा क्या होता है, जो इनिशियल हमारा प्रिंसिपल होता है उसी के ऊपर लगता रहता है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, अमाउंट है वो क्या होती है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो प्लस प्रिंसिपल। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा आर बाई हंड्रेड की पावर एन, जहां पर एन हमारा क्या था टाइम, आर क्या था इसमें रेट, पी क्या था इनिशियल प्रिंसिपल जो शुरू में हमारे पास होता है, और ए क्या होती है अमाउंट, यानी कि अमाउंट आ जाएगी कंप्लीट। अब यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमने क्या फाइंड आउट किया था, जो इस ये है ए, इसमें से पी माइनस कर देंगे तो यही फॉर्मूले है जो कंप्लीट चैप्टर में हमारे यूज होते हैं। क्वेश्चन है देखो, ए सम बिकम आर एस 3136 आफ्टर 2 ईयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली, द सम इज, यानी कोई सम है वो किसी टाइम पीरियड के बाद उसकी जो अमाउंट है वो 3136 हो जाती है कितने टाइम के बाद, 2 ईयर्स। रेट है वो इसमें कितना है 12% पर एनम, और साथ में क्या दे रखा है कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअली क्या होते है ये कंपाउंडेड होते है कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। तो हमें क्या बताना है, इसमें प्रिंसिपल बताना है कि वो क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता था, पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एन, अमाउंट कितनी है 3136, प्रिंसिपल पी, रेट कितना हो जाएगा 1 प्लस 12 अपॉन 100 इसकी पावर टाइम 2। सोल्व करेंगे इसको, यहां पर कैंसिल मत किया करो, डायरेक्ट एलसीएम लेके ऐड कर दिया करो। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 12 अपॉन 100 स्क्वायर, और 3136 इज इक्वल टू पी इंटू 112/100 का स्क्वायर, और पी क्या हो जाएगा 3136 100 × 100 112 × 112। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो ये इनिशियल प्रिंसिपल चाहिए हमें वो इनिशियल प्रिंसिपल मिल जाएगा, और सोल्व करने के बाद ये किसकी इक्वल आ जाएगा 2500 के, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, कैंसिल करेंगे, देखेंगे किससे कैंसिल हो रहा है तो इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन आरएस 625 एट 10% पर एनम फॉर वन ईयर इज, यानी कि एक ईयर के लिए हमें क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल कितने दे रखा है 625, ठीक है, रेट दे रखा है इसमें 10%, तो टाइम दे रखा है 1 ईयर। अब अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फोर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्लस r/100 की पावर n, तो प्रिंसिपल कितना है 625 इंटू 10/100 टाइम कितना है 1 ईयर, कितना हो जाएगा 625 इंटू 11/10। हम
हम इसको यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी आ गई अमाउंट। अब हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए कि वो कितना होगा, कितना हो जाएगा माइनस कितना था पी, और पी किसके इक्वल हो जाएगा 625 11 बाई 10 माइनस 625 किसके इक्वल आ जाएगा 11 बाई 10 माइनस 1 इक्वल टू 625 ये तो हमें मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल है 625, रेट है 10 और टाइम है 1। ये यहां से भी क्या जाएगा 625 अपॉन 10। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 625 अपॉन 10 माइनस 625 अपॉन 10 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है, जो 1 ईयर होता है उसके लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट भी वही होता है। तो इसलिए इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है, डेविड बोरो आर एस 1500, यानी कि उसने प्रिंसिपल कितना लिया है 1500, रेट उसने लिया है 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो इसका रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 1500 8 इंटू 2 अपॉन 100। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट उसका हो जाएगा आर एस 240 एंड ही लेंड इट टू ताहिर फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इसने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इस रेट के ऊपर 2 साल के लिए पैसे लिए और किसी दूसरे को इसने दे दिए, यानी कि उधार के लिए, वो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर दिए हैं। तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो क्या दिया है, सेम प्रिंसिपल, रेट है वो भी कितना दिया है इसने 10%, और जो टाइम है वो कितना दिया है 2 ईयर्स। कंपाउंडेड एनुअली हर साल क्या होता है, ये कंपाउंड होता जाता है। तो अब ये बताना है हमें कि जो ये ए है जिसने ये पैसे सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे, इसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे पता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इस कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होती है 2 साल के बाद। तो अमाउंट क्या हो जाएगी इसमें, पी इंटू 1+R/100 की पावर एन। प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना है 10/100 और टाइम 2 ईयर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 1500 मल्टीप्लाई बाई 11/10 का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, यानी 1500 मल्टीप्लाई बाई 11, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्या हो गया 15 × 1 = 21, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1815। ये तो हमारे पास अमाउंट आ गई जो इसको देनी है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें ये पता चलेगा प्रॉफिट कितना। ये तो अमाउंट वो है जिसमें प्रिंसिपल भी हमारे पास एडेड है, और इसने भी प्रिंसिपल कहीं से बोरो किया था, तो ये प्रिंसिपल इसको भी लौटाना है। तो प्रिंसिपल नहीं, हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो जो इसको इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1815 माइनस 1500, और ये कितना आ जाएगा 315। तो इसको तो जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना देना है 240 देना है, लेकिन ये इससे सिंपल इंटरेस्ट कितना लेगा 315
315 का, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसमें, 315 माइनस 275 रुपीज, तो इसको 75 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा इसके ऊपर। एक टाइप के आप ये भी क्वेश्चन आते हैं जो इस तरीके से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ जो फॉर्मूला है वो और कैसे उसको अप्लाई करना है, थोड़ी सी कॉमन सेंस, तीनों चीजें लगानी है, क्वेश्चन बहुत आसान है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, द सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। यानी शुरू में तो हमारे पास पी है ना, वो P1 है, लेकिन टाइम 3 ईयर्स के बाद वो जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट कितनी हो जाती है, वो प्रिंसिपल के 3 टाइम हो जाती है। कब, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 टाइम्स इटसेल्फ। तो अब ये बताना है कि जो ये अमाउंट है ये अपने आप की 9 टाइम्स कब होगी, ये बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट लगेंगे इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, आर बाई हंड्रेड की पावर एन। अमाउंट कितनी है 3 साल के बाद, यानी एन की वैल्यू अगर 3 लेंगे, ए हमारा 3, P1 हो जाएगा, यानी कि 3P1, और शुरू में प्रिंसिपल कितना है P1, 1 प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर 3। एन से तो 1 प्लस आर अपॉन हंड्रेड कितना आ गया, 3 की पावर 1/3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इसमें, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स इट सेल, यानी कितने टाइम बाद जो अमाउंट है वो 9P1 हो जाएगी, यानी कि यहां पर हमें एन फाइंड करना है कि एन की वैल्यू क्या होगी जब ए क्या हो 9P1 हो। तो 9P1 पी इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 3 की पावर 1/3, तो 3 की पावर n/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 की पावर n/3, बेस सेम वी कंपेयर पावर। अगर बेस सेम हो गया तो कब होंगे, जब कंपेयर करने में पावर कंपेयर होंगी, यानी 2 इज इक्वल टू n/3, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 ईयर्स, यानी 6 ईयर के बाद जो प्रिंसिपल होगा वो अपने इनिशियल प्रिंसिपल से 9 टाइम हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया था, यानी कि कोई चीज बढ़ती कैसे है घटती कैसे है, उनके रेट के बारे में बताया था। एप्रिसिएशन में रेट हमारा पॉजिटिव हो जाता है, डेप्रिसिएशन में रेट नेगेटिव हो जाता है। जैसे इसमें बता रखा है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज एट रेट ऑफ 4% पर एनम, यानी पॉपुलेशन 4% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। देन फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इन 1600। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट। जो ट्री है वो कितना इंक्रीज हो रहा है हर साल, अपनी हाइट से 1/8 टाइम इंक्रीज हो जाता है, यानी कितनी परसेंट इंक्रीज हो रही है इसकी रेट, आर अपॉन 100/8%, इस रेट से वो इंक्रीज होने लग रहा है। तो क्या बताना हमें इसमें, बाय हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि टाइम तो हमारे पास कितना हो 2 ईयर्स हो, इफ इट स्टैंड टूडे 64 सेंटीमीटर हाई, और आज की इसकी हाइट है वो हम कितनी लेके चलते हैं 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको,
ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, रेट इंक्रीज होने लगे तो आर पॉजिटिव, कितनी हाइट चाहिए हमें 2 साल के बाद। आज के दिन अगर इसकी हाइट देखें तो कितनी है, 64, 1 प्लस रेट क्या हो जाएगा 100 अपॉन 8 इंटू 100, और इसकी कितने साल बाद, 2 साल बाद बतानी है, ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 1 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 9/8 का स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 81 यानी 81 सेंटीमीटर। तो जो ट्री होगा 2 साल बाद इसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो आपको किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू दे, देखिए आज के दिन इसकी वैल्यू इतनी है, और आपको उसके पास्ट की वैल्यू पूछे तो हम कैसे बताएंगे। देखो, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर एट रेट ऑफ 10%, यानी डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो कितनी है, 10% डेप्रिसिएट हो रहा है तो माइनस है, वो इसी बात है इसमें। ऑन इट्स वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, शुरू से शुरुआत हो जाती है, प्रेजेंट वैल्यू मशीन की है 729, प्रेजेंट वैल्यू मशीन की वो कितनी हो जाएगी 729, तो इट्स वर्थ 3 ईयर अगो, यानी इसके 3 साल पहले इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमें ये बताना है इसमें। तो कैसे बताएंगे, देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 प्लस R/100 की पावर है। अब हम क्या करते थे, हमें फ्यूचर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो फ्यूचर की वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, हम प्रेजेंट वैल्यू लेते थे, रेट और टाइम लेते थे, तो हमें फ्यूचर की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारे फ्यूचर की वैल्यू होती है इसमें। लेकिन अगर हमें पास्ट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आज के दिन वैल्यू है वो कितने टाइम के बाद है, हम ये वैल्यू के हिसाब से लेके चलेंगे, सो पी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो आज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 729, हम पी नहीं लेंगे, अमाउंट लेंगे, हम ये सपोज करके चल रहे हैं हम 3 साल पहले लेके इसकी अमाउंट निकाल रहे हैं, कितनी होगी पी 1 - 10/100 की पावर 3 कैंसिल, ये क्या बच गया 9/10 की पावर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू 729 10/9 की क्यूब, और ये कितना बन जाए 729 10 × 10 / 9 × 9 81, और 81 × 9 729। तो 3 साल पहले जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आर एस 1000 हो जाएगी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, इसके इनको सोल्व करो। थैंक यू।